इंडिया में काफी बड़े मॉन्यूमेंट्स और वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैचू भी इंडिया में। तो आज को जैसे 10 सबसे बड़ी चीजें बताता हूँ इंडिया की। सबसे पहले आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, बेसिकली गुजरात में है। ये इंडिया के साथ साथ ही पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टैचू है। इसकी हाइट 182 मीटर है, जो की बहुत ही ज्यादा है। और ये स्टैचू हम सबके चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। इसको बनाना स्टार्ट किया था 2013 में और 2018 में खत्म भी हो चुका था, जो की काफी कम टाइम में हो गया था। और इसका टोटल बजट आता है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ तक। इस स्टैचू के अंदर काफी सारी चीजें, जैसे की 3-star होटल, शॉपिंग सेंटर और एक रिसर्च सेंटर भी है। अब थोड़ा ऊंचाई चढ़ते पहाड़ में आते हैं, तो बेसिकली सबसे बड़ा माउंटेन इंडिया का है कांचनजंगा। ये इंडिया के साथ साथ दुनिया का सबसे तीसरा हाईएस्ट माउंटेन भी है। वैसे ये माउंटेन हिमालयस में और ये ऑलमोस्ट 28,000 फीट लंबा है और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो की म्यूजियम। तो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है द इंडियन म्यूजियम और ये है कोलकाता में। इस म्यूजियम में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे की एंटिक्स, आर्मर, मुगल पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स और काफी सारी चीजें ऑलरेडी म्यूजियम में देखने मिलती है। और इंडिया के लार्जेस्ट के साथ साथ इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूजियम भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्केलेटन और मम्मी भी है भाई, मतलब मम्मी, सोने वाली मम्मी जो सोई रहती है। पब्लिक के लिए ओपन हुआ था 1878 में और इसमें ऑलमोस्ट 60 गैलरीज है, जैसे कि आर्ट, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी और काफी सारे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि लार्जेस्ट मोनेस्ट्री और वो सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें ऑलमोस्ट 65 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, म्यूजियम है, लाइब्रेरी और स्कूल की फैसिलिटीज भी है और इसमें 26 फीट लंबा लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू भी है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि मेला, मतलब मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। आपने वो तो सुना होगा एनिमल फेयर, और इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एनिमल फेयर का नाम है सोनेपुर कैटल फेयर और ये सिचुएटेड है बिहार में। इस मेले में हम काफी सारी चीजें खरीद सकते हो, जैसे कि शो पीसेस और काफी सारे एनिमल्स, जैसे कि शेर, भालू, शेर नहीं रहता यार, उसके साथ साथ वहाँ पे जंगली हाथी भी रहता है भाई। ये ऑलमोस्ट वैदिक एरा से चला आ रहा है और ये ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर लंबा है। इसमें आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि फूड, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, जानवर और ये साथ में टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। वैसे मैं जाना चाहूंगा इस जगह में क्योंकि आई लाइक नेचर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि बिगेस्ट डैम इन इंडिया, भाखड़ा नांगर डैम। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसकी लेंथ है 518 मीटर और इसकी विड्थ है 9.1 मीटर और इसकी हाइट है 207 मीटर और ये सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर। इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में स्टार्ट हुआ था और 1963 में खत्म भी हो गया था और इसको बनाने में ऑलमोस्ट 245 करोड़ रुपीज भी लगे थे भाई, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और उसके साथ साथ इसमें दो पावर हाउस भी है, जिससे अप्रोक्सीमेटली 1300 मेगावाट की पावर भी दी जाती है। इस डैम की पावर को 6 जगह डिवाइड किया जाता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि सृष्टि, मतलब बेसिकली प्लेनेटेरियम। तो बेसिकली ये है बिरला प्लेनेटेरियम और ये सिचुएटेड है कोलकाता में। और इंडिया के साथ साथ ये एशिया का भी सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है और एशिया के बाद ये है वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम। प्लेनेटेरियम एक बेसिकली म्यूजियम होता है जहां से आप कई सारे प्लेनेट इजीली देख सकते हो, मतलब तारे, स्टार्स, मतलब पूरा एपी डिलॉन देख पाओगे आप, तारे नहीं पसंद मेनू, मर्क्यूरी, सैटर्न, सब कुछ देख पाओगे। बट सिंपल भाषा में स्पेस को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे अगर आप इस प्लेनेटेरियम में जाते हो। ये प्लेनेटेरियम ऑलमोस्ट 688 लोगों को अकोमोडेट भी कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट, जो कि सबसे बड़े झाड़ पे, ट्री है तो नो ब्रो, ये प्लांट है। इसका नाम है द ग्रेट बनियन ट्री और ये है वेस्ट बंगाल में। वैसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री है विथ विड्थ, मतलब इसका जितना एरिया है ना उतने में एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड बन सकता है। और ये फैला हुआ है 4.67 एकर्स लैंड में और यही चीज इसको बना देती है वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट ट्री। और ये ऑलरेडी 1989 के गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। वैसे ऑलमोस्ट 250 ईयर्स पुराना झाड़ और इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के काफी इक्वल है। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी, जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी और ये सिचुएटेड है अलीपुर में और ये ऑलमोस्ट 30 एकर्स लैंड में फैला हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 22 लाख से भी ज्यादा बुक्स है। थी बेसिकली दो लाइब्रेरी को मिक्स करके बनाया गया है, एक थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और एक थी इंपीरियल लाइब्रेरी, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया था इस लाइब्रेरी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अब थोड़ा लंच टाइम हो गया। SBI इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक और ये ऑलरेडी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी आ चुका है। SBI ऑलमोस्ट 200 साल पुराना बैंक है और आज की डेट में 22,000 से भी ज्यादा इसके ब्रांचेस है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के अलावा भी बाहर भी है और ये ऑलमोस्ट 45 करोड़ कस्टमर को सर्व करता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट केव टेम्पल, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और इसका नाम है एलोरा केव्स। इसमें ऑलमोस्ट 100 केव्स है, जो कि काफी अलग रिलीजन के, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इन 100 केव्स में से ओनली 34 केव्स ओपन है, बाकी के पूरे क्लोज्ड है। और उन 34 में से 17 हिंदू केव्स है, 12 बुद्धिस्ट केव्स और 5 जैन केव्स है। केव नंबर 16, जिसका नाम है द कैलासा टेंपल, 34 केव्स में सबसे बड़ा केव्स है, जो कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा है। अब आते हैं लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर और ये सिचुएटेड है केरला में और इसका नाम है जटायु नेचर पार्क। तो आपने रामायण तो सुनी होगी, जहाँ पे रावण ने जटायु को मारा था उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा बर्ड बनाया गया है, जिसको बोला जाता है जटायु नेचर पार्क। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बड़ी एक बर्ड की मूर्ति है और ये दुनिया की सबसे बड़ी है। ये 200 फीट लंबी है, 150 फीट वाइड है और 70 फीट ऊंची है और ये ऑलमोस्ट एरिया कवर करती है 15,000 स्क्वायर फीट का। बनेश को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।